दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया टॉपिक क्या, एक सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जो कि होगा मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके जो पांच चैप्टर हैं, यहाँ पर हम लोग हरात्मक श्रेणी डायरेक्ट लिया हुआ है, ये छठा चैप्टर है आपका। ठीक है, इसके पहले जो पाँच चैप्टर थे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये आपके सारे करा दिए हैं आपके जो विनीत सर, इसके पहले जो पढ़ा रहे थे आपको मैथ्स, उन्होंने आपके करा दिए हैं। तो फिर हम अब शुरू करेंगे 6th वाले चैप्टर से। वो सारे वीडियोस आपके जो 5th चैप्टर तक के हैं, वो सारे आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने, जिन्होंने भी ना देखा हो, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 6 शुरू करेंगे, जिसका नाम है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, क्या नाम है उसका, हरात्मक श्रेणी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हरात्मक श्रेणी क्या होता है, जरा एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, हरात्मक श्रेणी क्या होता है, इसके पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को पढ़ा था, समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक, उसको आप लोगों ने देखा था उस वाले। अगर जिन लोगों ने समांतर श्रेणी को ना देखा हो, वो लोग, आप सभी लोग समांतर श्रेणी को एक बार देख लीजिएगा। तो हरात्मक श्रेणी का व्युत्क्रम क्या होता है, हरात्मक श्रेणी का व्युत्क्रम ही समांतर श्रेणी कहलाता है, या फिर इसको कह दें समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम ही हरात्मक श्रेणी कहलाता है। दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी ये ए है, ठीक है, ए, और तो हरात्मक श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी क्या दी है, ए है, आपको ए पी यहाँ पर लिख देते हैं समांतर श्रेणी के लिए। और इसका आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, एच पी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो इसके लिए आपको इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब क्रमों को उल्टा कर देना। ठीक, इसको ए जो लिखा है, इसके ऊपर हम लोग एक लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको क्या पता चल गया है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, हरात्मक श्रेणी के बारे में पता चल गया। यही बात हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि समांतर श्रेणी के पदों को उल्टा कर देना ही हरात्मक श्रेणी कहलाता है। हरात्मक श्रेणी के पदों को ही उल्टा कर देना समांतर श्रेणी कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अगर ना आई हो तो आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब देख कह सकते हैं, वहाँ पर आप सभी लोग मुझको बताइए कि ये क्वेरी रह गई है, या फिर जो भी चीज़ें हैं आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपके में जो एक्सरसाइज की, जैसे चैप्टर शुरू हुआ है वहाँ पर दिया है, भारत भारती की मैंने एक बुक ली हुई है, उसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और बी, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दो दी हुई राशियों, राशियाँ कौन कौन सी, ए और बी के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ए और बी के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। हरात्मक माध्य बहुत आसान है, कैसे आसान है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं ना, मैथ में तो सब कुछ मानते हैं, माना हरात्मक श्रेणी क्या, हरात्मक माध्य क्या है, ए और बी के बीच का जो हरात्मक माध्य है वो क्या है। ठीक है, माना हरात्मक माध्य बराबर h है, ठीक, इतना समझ में आ गया, हरात्मक माध्य बराबर h है, यहाँ पर b लिखा हुआ, ठीक है, तो फिर a h b ये क्या हो गए, ये हरात्मक श्रेणी हो गई पूरी, इसको क्या बोलेंगे, h p बोलेंगे, हरात्मक श्रेणी हो गई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो फिर इसको जब हम उल्टा कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, हमको समांतर श्रेणी पता चल जाएगी, समांतर श्रेणी का माध्य निकाल लेंगे, उसका व्युत्क्रम करके हम लोग हरात्मक श्रेणी पता कर लेंगे। जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है, इसको हम लोग किस में तोड़ते हैं, समांतर श्रेणी में करते हैं, समांतर श्रेणी यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी बनाते हैं, ए एक बटा ए हो गया, एक बटा एच हो गया, और एक बटा कॉमा यहाँ पर एक बटा बी हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब एक बटा एच जो है, एक बटा वन अपॉन एच जो है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, क्योंकि यही हमें क्या है, पता करना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला ही अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा, वन अपॉन एच। अब इसका फार्मूला होता है दोनों पदों का योग, प्रथम पद प्लस
तृतीय पद मतलब जिस पद के बीच का माध्य निकालना है उसके बाद वाला पद, ठीक है। जैसे कि पहले पद दिया हुआ है, फिर दूसरा वाला आपको बीच का पद ज्ञात करना है, फिर बाद वाला दिया हुआ है, तो जो बाद वाला पद है उसका और पहले वाले का योग करते हैं। कैसे करते हैं? वन अपॉन बी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। के योग का आधा, कि योग का आधा, ठीक है, योग का आधा कर लिया। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर लाइन खींच के योग का आधा कर लिया। योग का आधा कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे वन अपॉन टू लिख लेंगे, यहाँ पर वन अपॉन एच रहेगा क्योंकि हमको जो नंबर ज्ञात करना था वो वाला रहेगा, ठीक। यहाँ पर करेंगे, अब तो आ जाएगा ना, सिंपल सी बात हो गई। जब हम लोग इसका लासा लेंगे तो फिर ए भी यहाँ पर प्राप्त होगा, जब हम इसको ए से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर यहाँ पर प्राप्त होगा ए प्लस बी, ठीक, और यहाँ पर वन अपॉन टू। जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर ये टू कहाँ चला जाएगा? ए बी के साथ में चला जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। ये हम लोगों को क्या पता चल गया? समांतर श्रेणी पता चल गई, समांतर श्रेणी पता चल गई। ये क्या है? समांतर, समांतर माध्य पता चला ना, ठीक है। अब हमको इसका क्या करना है? व्युत्क्रम कर दे तो हमको क्या मिलेगा? हरात्मक माध्य मिल जाएगा। तो फिर हम लोग इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, ए टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर एच आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो फिर हरात्मक श्रेणी हमारी क्या बनी यहाँ पर? यहाँ का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को मिला है, क्या मिला? ए कॉमा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा बी, ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया था। और यही हमारा ये वाला जो है वो हरात्मक माध्य ज्ञात करने का, हरात्मक माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है। तो आप लोगों को समझ में आया कि फार्मूला कैसे बना है, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो दी हुई है, आपकी जो एक्सरसाइज दी है उसका सेकेंड क्वेश्चन हमने उठाया है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका बोला है एक और नौ के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। एक और नौ के बीच का हमको हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये किया, अब हम लोग क्या करते हैं, जहां अभी हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था माध्य निकालने के लिए, ए एच इज इक्वल्स टू टू ए बी अपॉन ए सॉरी ए प्लस बी या बी प्लस ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी। ये हम लोगों ने क्या किया था, फार्मूला निकाला हुआ था। ए कौन सा था? प्रथम पद था। यहाँ पर हम लोग टू लिखा है, लिखा रहने देते हैं यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है। एक बार देखिए आप लोग ध्यान से, टू यहाँ पर देखिए लिखा है। ए क्या है? ए जो था वहाँ पर प्रथम पद था, ए और बी के बीच का था, ए मतलब एक हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया, गुणे नौ हो गया, ठीक, बटा लगाएंगे मतलब अपॉन वन प्लस नाइन, ठीक। तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा? अभी देखो, नौ एक नौ, नौ दूनी अठारह, बटे नौ एक दस, यहाँ पर नौ एक दस आ गया। इसका जब हम लोग करेंगे पाँच दूना दस, नौ दूनी अठारह, ठीक है। तो हम लोगों को प्राप्त होगा नौ बटे पाँच, ये आपका हो गया आंसर। अब इसको नहीं चेंज करना है क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला कौन सा डाला है? हरात्मक माध्य का डाला है। अगर हम लोग ये वाला फार्मूला डालते, एक बटा एच बराबर ए प्लस बी अपॉन टू ए बी, ये वाला जो फार्मूला अगर हम लोग डालते तो फिर हम लोग इसको चेंज करते तो उसका आंसर पता क्या आता? सेम आंसर आता, बस क्या आता, पाँच बटे नौ आ जाता। फिर हम लोग जब चेंज करते तो नौ बटे पाँच आ जाता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का एक क्वेश्चन इसके जो थर्ड वाला है, सेम मतलब जो मैंने फार्मूला बताया उसके साथ में जो भी क्वेश्चन है उनको लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, हम लोग एक बार उसको कर लेते हैं। देखिए, हम सारे क्वेश्चन आपके करा देंगे, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज में है अदर भी क्वेश्चंस करा देंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पर इसका हम लोग निकाल लेते हैं समांतर माध्य। इसका जब समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य जब इसका निकालेंगे, यानी कि एपी, ठीक है, आगे से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एपी लिखेंगे, ठीक। तो समांतर माध्य में क्या करेंगे, बी अपॉन ए, ठीक, और इसका हमने इसका व्युत्क्रम करेंगे तो बी अपॉन ए मिल जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ए अपॉन बी। वहां पर हमने क्या बताया था, एक चीज बताई थी, दोनों पदों का योग, ठीक है, के आधा का आधा, यहां पर योग हो गया
बटा 1/2 हो गई। याद कीजिएगा आप लोग, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, अगर ना समझ में आ रहा हो। शुरुआत में ही मैंने बताया था इसका आधा करना है, तो फिर जब हम इसका करेंगे ए बी आ जाएगा यहाँ पर, ए बी, ठीक, ऊपर हम बी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20² यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम ए से करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा 1/2, ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जो है इसकी मल्टीप्लाई अंदर से करवा देंगे, 20² + a² आपके में शायद a² + b² आंसर आ रहा है, तो फिर चाहे आप 2 में 4 को प्लस करिए, चाहे 4 में 2 को प्लस करिए, तो बात 6 ही आएगी, तो वही बात है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2ab। ये हमको क्या मिल गया है, समांतर माध्य प्राप्त हुआ है, माध्यम को प्राप्त हुआ है। अब जब हम इसको व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम बार बार इसको याद करवा रहे हैं, जब हम लोग इसका व्युत्क्रम करेंगे तो फिर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। हम आप बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, व्युत्क्रम करते हैं समांतर माध्य का, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, 2ab/b² + a², ठीक है, चाहे हम लोग a² + b² लिख देंगे, ये आपका हो गया आंसर। आप सभी लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइए कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें।